फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉ 30 की बात करेंगे, जो कि है बैट्समैन आउट ऑफ हिज और हर ग्राउंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अगेन गुड कि हम लोग लॉ 30 तक पहुंच गए हैं. इट्स बीन अ गुड एंड लॉन्ग जर्नी. तो अब हम लोग ये बात करते हैं. तो सबसे पहली बात ये रहती है कि बैट्समैन का अगर बैट पॉपिंग क्रीज पे है तो ही इज़ आउट. अगर बैट्समैन का बैट या पर्सन हवा में भी है पॉपिंग क्रीज के पीछे, तो भी बैट्समैन आउट करा जाता है. तो एसेंशियल है कि इधर पार्ट ऑफ हिज और हर पर्सन और बैट शैल बी ग्राउंडेड बिहाइंड दी पॉपिंग क्रीज. ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि उसका जो बैट होना चाहिए वो प्रॉपरली ग्राउंडेड होना चाहिए. हिज और हर पर्सन शुड बी प्रॉपरली बिहाइंड दी पॉपिंग क्रीज. अगर वो एयर में रहता है बैट या खुद वो पर्सन का हवा में पैर है तो वो आउट कहलाता है बैट्समैन. दूसरी चीज़, उस कंडीशन में बैट्समैन आउट नहीं होगा कि अगर वो रन लेने के टाइम पे उसने जंप करा एंड ही मेड गुड हिज ग्राउंड. अगर वो जंप करके उसने अपने या तो पर्सन से या अपने बैट से पॉपिंग क्रीज के पीछे उसने ग्राउंडेड करा अपने को, फिर अचानक से ही लॉस कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड और उसका बैट हवा में आ गया या खुद वो उस हवा में ही हो गया, तो वो उस कंडीशन में बैट्समैन आउट नहीं कहलाता है. तो अब ये बात होती कि कौन सा ग्राउंड किस बैट्समैन का रहता है. तो सबसे पहली बात रहती है कि अगर कोई बैट्समैन किसी भी एक ग्राउंड में है, जैसे स्ट्राइकर्स एंड साइड पे है, तो अगर वो बैट्समैन है, अगर लेटर वो किसी और बैट्समैन के द्वारा ज्वाइन किया जाता है तो वो ग्राउंड फर्स्ट बैट्समैन का ही कहलाता है. सेकेंडली, अगर फर्स्ट बैट्समैन का वो ग्राउंड है और दूसरा बैट्समैन उसको थोड़ी देर के बाद लीव कर देता है, तब भी वो ग्राउंड जो है होता है उसी बैट्समैन का कहलाता है. सेकेंडली, अगर दोनों बैट्समैन जो रहते हैं वो ग्राउंड में नहीं हैं और तो जो बैट्समैन जिस ग्राउंड को मेक गुड करता है तो वो बैट्समैन का ग्राउंड कहलाता है. और अदरवाइज अगर दोनों इक्वल हैं तो जो भी उस जब दोनों इक्वल होते हैं उससे उस ड्यूरेशन से थोड़े पहले जो जिस ग्राउंड के ज़्यादा पास रहता है वो उसका ग्राउंड कहलाता है. और अब सेकेंडली हमारी बात होती है पोजीशन ऑफ नॉन स्ट्राइकर. तो नॉन स्ट्राइकर जनरली ऑपोजिट साइड में खड़ा होता है जहाँ से बॉलिंग होती है, बट विद द कंसेंट ऑफ द अम्पायर, उसके रिक्वेस्ट अगर ग्रांट होती है तो ही कैन स्टैंड ऑन द सेम साइड ऑल्सो. तो दैट्स इट फ्रेंड्स, हम लोगों ने लॉ 30 कम्प्लीट कर लिया है. अब हम लोग लॉ 31 के बारे में बात करेंगे जो कि अपील्स है. Thanks a lot, friends. Bye.